आज का वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि परमिट टू वर्क क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका यूज़ करना आखिर इतना क्यों ज़रूरी है, और वर्क परमिट को कौन इशू और कौन रिसीव कर सकता है। इसकी सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में पता चल जाएगी। और इस वीडियो के बीच में या लास्ट में मैं आपको एक परमिट का सैंपल भी दिखाऊंगा। इस सैंपल के द्वारा आपको पता चलेगा कि परमिट टू वर्क में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, और परमिट टू वर्क को किस तरह से फिल किया जाना चाहिए। मेरे इस चैनल सेफ्टी जानकारी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो या नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि सेफ्टी से जुड़े हर प्रकार की जानकारी आप तक इंस्टेंटली पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि परमिट टू वर्क होता क्या है, इसके हिंदी में डिफिनेशन को देख लेते हैं। परमिट टू वर्क एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसे किसी काम को सेफ वे में करने के लिए इशू किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्कप्लेस पर काम से जुड़े अलग अलग प्रकार के हजार्ड्स होते हैं। उन खतरों को पहचान कर उसके कंट्रोल्स के उपाय को परमिट में लिखा जाता है। इसमें लिखे टर्म्स और सेफ्टी के कंट्रोल्स को साइट पर काम करने वाले वर्कर्स को फॉलो करना होता है। परमिट टू वर्क में क्या काम होना है, उस काम को कब और कितने ड्यूरेशन के लिए किया जाना है, और साथ साथ इसमें परमिट इशूअर और परमिट रिसीवर के साइन होते हैं, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, इसको मैं आपको आगे चलकर एक फॉर्मेट में दिखाऊंगा। परमिट टू वर्क एक लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है जिसे किसी एक्सीडेंट होने पर लीगल डॉक्यूमेंट प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर अगर बेसिक देखें तो परमिट टू वर्क दो प्रकार के होते हैं, एक हॉट वर्क परमिट और दूसरा कोल्ड वर्क परमिट। जिस काम को करने में चिंगारी या स्पार्क्स पैदा होता है और आग लगने का खतरा हो, उस काम को करने के लिए हॉट वर्क परमिट की ज़रूरत होती है, जैसे वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा। किसी प्रकार के काम में अगर इग्निशन या गर्मी या चिंगारी पैदा होती हो, उस तरह के काम को करने के लिए हॉट वर्क परमिट इशू किया जाता है। कोल्ड वर्क परमिट में वैसे काम शामिल होते हैं जिसमें किसी प्रकार का इग्निशन सोर्स शामिल ना हो। कोल्ड वर्क परमिट और हॉट वर्क परमिट के अलावा बहुत सारे हाई रिस्क एक्टिविटीज़ में, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस हुआ या फिर लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ है या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क या और भी जो दूसरे हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं, उसमें परमिट के साथ सर्टिफिकेट का भी यूज़ किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और प्रोसीजर पर डिपेंड करता है। हर साइट पर, हर इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन याद रखिएगा बेसिक जो है वो सेम ही होगा। अब बात करते हैं कि परमिट टू वर्क का यूज़ करना साइट पर क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, साइट पर वर्क परमिट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में आपको एक एक करके बता रहा हूँ। दोस्तों, वर्क परमिट एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखे गए टर्म्स को और सेफ्टी कंट्रोल्स को हर वर्कर्स, काम करने वाले वर्कर्स को फॉलो करना होता है, जिससे कि किसी प्रकार की इंजुरी या एक्सीडेंट होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। परमिट टू वर्क के उपयोग से ये इंश्योर होता है कि क्या काम किया जाना है एग्जैक्टली, कहाँ काम किया जाना है, कौन से लोकेशन पर, और साथ साथ कितने समय के लिए, इस काम का ड्यूरेशन क्या होगा, इसके बारे में कंफर्मेशन मिलती है। परमिट टू वर्क से ये भी इंश्योर होता है कि काम किसके द्वारा किया जाना है और इस काम के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि परमिट पर वर्कर्स के लीडर का साइन होता है, जिसे परमिट होल्डर या वर्क परमिट रिसीवर भी कहते हैं। आप सबको पता है कि किसी भी चीज़ पर अगर आप साइन कर देते हो तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक रिटेन जो है डॉक्यूमेंटेड हो जाता है वो चीज़, कि आपको वो काम को करने के लिए आप बाध्य हैं, आपको उस रूल को फॉलो करना है। वर्क परमिट के उपयोग के द्वारा हाई रिस्क एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसके द्वारा रिस्क को पहचान कर उचित कंट्रोल मेजर्स को वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि एडवांस में जो साइट पर हजार्ड्स होते हैं या वर्क से जुड़े एसोसिएटेड हजार्ड्स होते हैं, उनको पहले से पहचाना जा सकता है और उचित कंट्रोल्स को परमिट पर मेंशन करके साइट पर अप्लाई किया जा सकता है। इसका अगला बेनिफिट यह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वर्क परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इससे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में और इंश्योरेंस क्लेम में काफ़ी मदद मिलती है। अब जान लेते हैं कि परमिट इशू और रिसीव कौन कर सकता है। वर्क परमिट को एरिया ओनर के द्वारा इशू किया जाता है, जिसे परमिट इशूअर कहते हैं। जब भी किसी एरिया या इक्विपमेंट पर कोई काम आता है, कुछ काम करना होता है वहाँ पर, तो उस एरिया या इक्विपमेंट के ओनर, जिसे ऑयल एंड गैस प्लांट साइट पर आमतौर पर ऑपरेशन सुपरवाइजर भी कहते हैं, उनके द्वारा काम के हिसाब से परमिट को इशू किया जाता है, और उस परमिट को किसी कॉन्ट्रैक्टर या मेंटेनेंस वर्कर्स के लीडर यानी सुपरवाइजर के द्वारा रिसीव किया जाता है, जिसे परमिट होल्डर या वर्क परमिट रिसीवर कहते हैं।
आमतौर पर सभी इंडस्ट्री में परमिट होल्डर को परमिट रिसीव करने के लिए वर्क परमिट सिस्टम का एग्ज़ाम देना होता है और उसे पास करना होता है। पास करके उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को दिखाकर ही आप परमिट को रिसीव कर सकते हैं। परमिट इशूअर और परमिट रिसीवर कौन होता है आप समझ गए होंगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। परमिट इशू करने से पहले इशूअर और परमिट होल्डर दोनों साथ में जाकर जॉइंट साइंड इंस्पेक्शन करते हैं। परमिट इशू करने से पहले उस लोकेशन पर जाकर वहां से जुड़े जो हजार्ड्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वहां पर पाए गए हजार्ड्स के हिसाब से कंट्रोल्स मेजर्स और पीपीज को परमिट में मेंशन किया जाता है। परमिट में लिखे गए टर्म्स को परमिट होल्डर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और उसके बाद साइट पर उसे वर्कर्स को फॉलो करना होता है। इसकी जिम्मेदारी परमिट होल्डर या वर्क परमिट रिसीवर की होती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको एक सैंपल कॉपी दिखाऊंगा परमिट का, तो आइए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं और मैं आपको एक परमिट की सैंपल कॉपी दिखाता हूं। ये देखिए, ये दुनिया की जानी मानी और बड़ी कंपनियों में से एक सऊदी अरामको का कोल्ड वर्क परमिट है जिसमें चार सेक्शन आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पर सेक्शन वन में मैं आपको वन बाई वन दिखाता हूँ। सेक्शन वन में वर्क डिस्क्रिप्शन फिल किया जाता है जिसमें डेट और ड्यूरेशन के साथ प्लांट का नाम, एग्जैक्ट वर्क लोकेशन, क्या काम होना है उसकी जानकारी और कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा उसकी डिटेल लिखी जाती है। सेक्शन टू में हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन और कंट्रोल को फिल किया जाता है। इसमें सबसे पहले अगर उस जॉब के लिए कोई एडिशनल फॉर्म को अटैच करने की ज़रूरत है तो उसे टिक किया जाता है, जैसे कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ब्लाइंड लिस्ट एक्सेट्रा। उसके बाद एनर्जी टाइप्स, आइसोलेशन मेथड्स और पोटेंशियल एक्सपोजर को टिक किया जाता है। इसके बाद कंट्रोल के तौर पर पीपीईज की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करके लिखा जाता है। इस सेक्शन को परमिट इशूअर के द्वारा परमिट होल्डर की मौजूदगी में भरा जाता है। सेक्शन तीन गैस टेस्टिंग रिकॉर्ड के लिए होता है। इसे ऑथराइज गैस टेस्टर के द्वारा फिल किया जाता है। अगर ये भी डिपेंड करता है एरिया पर कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि नहीं, और काम पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे एरिया जैसे कन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ऐसा कोई सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर हॉट वर्क होना है और फ्लेमेबल गैसेस की मौजूदगी का डर है, तो वहाँ पर गैस टेस्टिंग का रिकॉर्ड जो है ज़रूरी होता है। साथ साथ गैस टेस्टिंग का मॉनिटरिंग भी किया जाता है। इसे ऑथराइज गैस टेस्टर के द्वारा फिल किया जाता है। ये सेक्शन तीन है। और सबसे नीचे सेक्शन चार परमिट के ऑथराइजेशन, रिन्यू और क्लोजिंग के लिए होता है। इसमें परमिट होल्डर और परमिट इश्यूअर को आईडी नंबर और सर्टिफिकेट नंबर के साथ साइन करना होता है। दोनों के साइन होने के बाद परमिट ओपन हो जाता है और इसी प्रकार दोनों के साइन के बाद ही परमिट रिन्यू और क्लोज भी होता है। यहाँ पर देखिए नीचे में सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन वाइज जो है उन्हें फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको परमिट टू वर्क से जुड़ी सारी जानकारी बता दी है, साथ में आपको एक ऑफलाइन सैंपल भी दिखा दिया है। बहुत सारी इंडस्ट्री में अभी एक ऑनलाइन वर्क परमिट टू सिस्टम भी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, या शायद बहुत सारे जो है इंडस्ट्री में ये अप्लाई हो भी चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर ऑफलाइन वर्क परमिट सिस्टम चल रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन परमिट टू वर्क सिस्टम में यही फ़र्क है कि वो कंप्यूटराइज जो है सिस्टम से निकाला जाता है और ये ऑफलाइन हाथ से लिखा जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और जिसे ज़रूरत हो उसे शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं सेफ्टी से जुड़े एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, कीप अदर सेफ। थैंक यू।